नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आज हम बात करने वाले हैं बीपीओ और केपीओ के बीच में क्या फर्क होता है। मेरा एक मिशन है कि मैं अपने इस चैनल के थ्रू 10 लाख लोगों को उनके प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करूं, उनके करियर में आगे बढ़ने में उनकी मदद करूं, उनको और पावरफुल लीडर्स बनने में उनकी मदद करूं। सो मैं आपका साथी हूँ आपके इस जर्नी में। आप आके मुझसे इस मिशन में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बीपीओ जो होता है वो होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप दोनों चीज में कॉमन जो देखेंगे कि कोई प्रोसेस आउटसोर्स हो रहा है, ऐसी कोई कंपनी है जिसे कोई काम खुद नहीं करना है या जो काम में उसका एक्सपर्टीज नहीं है या जो काम करने में उसका बहुत ज्यादा खर्चा होगा, वो किसी को आउटसोर्स करके ये काम ज्यादा एफिशिएंटली कर सकती है और पैसे भी बचा सकती है, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। अभी आउटसोर्सिंग के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जेनेरिक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें जैसे कि कोई बैक ऑफिस या फ्रंट ऑफिस टास्क हो। बीपीओ में पेरोल प्रोसेसिंग जो होता है बहुत ही कॉमन आउटसोर्सिंग है। कस्टमर सपोर्ट हैंडल करना और टेलीसेल्स हैंडल करना, ये बहुत ही कॉमन बीपीओ आउटसोर्सिंग है। बीपीओ आउटसोर्सिंग के क्वालिटीज क्या होते हैं कि ये जो होता है एक सिंपल प्रोसेस होता है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ एक प्रोसेस फॉलो करके कोई भी इस काम को निभा सकता है। तो ये एक रूल बेस्ड चीज है जिसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है या बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ये काम पूरा करने के लिए। लेकिन जो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, उसका नाम ही है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो आपको कुछ एक्सपर्टीज होना चाहिए इस डोमेन में, आपको कुछ डिस्क्रिशनरी काम करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी मैन पावर लगेगा ये काम को पूरा करने के लिए। तो बीपीओ में जैसे मैंने आपको बताया, पेरोल प्रोसेसिंग हो सकता है, कस्टमर सपोर्ट हो सकता है, किसी कंपनी को फीडबैक सर्वे कॉल्स करने हो अपने कस्टमर्स को, तो ये सारी चीजें आउटसोर्स करना इजी होती है। नॉलेज आउट प्रोसेसिंग में लीगल काम हो सकता है कि किसी को कुछ लीगल रिसर्च करना है, कोई लीगल अग्रीमेंट तैयार करना है, कोई लीगल अग्रीमेंट रिव्यू करना है। हो सकता है काम हो रहा हो अकाउंटिंग के बारे में, बहुत सारे देशों से, साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में अकाउंटिंग काम आता है क्योंकि इंडिया में अकाउंटेंट्स अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं, तो अकाउंटिंग काम आउटसोर्स होके आता है। ऐसे कई सारे नॉलेज बेस्ड चीज हो सकते हैं, जैसे कोई मार्केट रिसर्च करना हो, कोई इक्विटी रिसर्च करना हो, इन्वेस्टमेंट रिसर्च करना हो, फाइनेंशियल एनालिसिस करना हो। तो ये जो नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग होते हैं वो बीपीओ से थोड़े ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो थोड़े ज्यादा क्रिटिकल बिजनेस के जो काम है वो आउटसोर्स किए जाते हैं और उसके लिए पैसे भी ऑफकोर्स ज्यादा मिलते हैं। तो ये है बीपीओ, जहाँ पे कोई भी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ सीख के काम कर सकता है। केपीओ, जहाँ पे आपको किसी इंडस्ट्री में, किसी डोमेन में नॉलेज है और आप उसको अप्लाई कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए। अगर आप बीपीओ क्या होता है इस बारे में और इन डेप्थ जानना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं कि बीपीओ क्या होता है। बीपीओ और केपीओ सुनने में थोड़ा सिमिलर लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं। केपीओ जो होता है, जनरली अगर आप एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल हो, आप एक लीगल प्रोफेशनल हो, आप अगर कोई मार्केट रिसर्च या इक्विटी रिसर्च बैकग्राउंड से आते हो, और तो आपको किसी केपीओ में एक स्पेसिफिक जॉब मिलेगा आपकी स्किल बेसिस पे। बीपीओ में जनरली आपको जॉब मिल सकता है अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम सीख सकते हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आपको बीपीओ में इजीली जॉब मिल सकता है।